बेदर्दी से चार मासूम बच्चों और चार ख्वातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, मनसूबा बंदी कहां कहां हुई और देखने वाले अश्क बार थे। बस मुझे इंसाफ चाहिए सर, और मुझे इंसाफ चाहिए और बिल्कुल इस तरह इंसाफ चाहिए कि हाँ सिर्फ ये बात मेरी माँ की नहीं है, मेरी एक बेटी की नहीं है, ये उसने जो है ना 10 कत्ल किए, उसने अपनी तरफ से 10 कत्ल किए। ये मुलजिमान और मकतूलीन जो मुदई पार्टी है, ये आपस में चचाजात भाई है। आपने जो कारोबार के पैसे थे वो इन मुलजिमों को दिए? एग्जैक्टली बिल्कुल इसी को दिए थे। उसमें वकूअ के होते ही तमाम फरार हो चुके थे, रोपोश हो चुके थे। इस वाक़े के बाद आपको दोबारा कोई धमकी वगैरह या कुछ मैसेज वगैरह तो नहीं मिला? ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पुलिस के शिकंजे में जरूर आ जाता है। जी हाँ, मैं हूँ एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि 25 जून 2024 को पिशावर के नवाही इलाके बड़बेर बाग बाबा कले में महज 23 लाख रुपए तनाजे पर अपनों ने ही अपनों के घर पर धावा बोलकर बेदर्दी से चार मासूम बच्चों और चार ख्वातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस अलमनाक सानहे पर ना सिर्फ अहले पिशावर बल्कि हर सुनने और देखने वाले अश्क बार थे। पुलिस भी मुसलसल कातलों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारती रही और फिर बिलाखिर इनको कामयाबी मिली और उन्होंने 3 मुलजिमों को नौशहरा से गिरफ्तार कर लिया। इन मुलजिमों की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, मनसूबा बंदी कहां कहां हुई, मुलजिमान कहां कहां रुपोश रहे, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊँगा। हम पुलिस ऑफिशियल से भी बात करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ घर का सरबराह इश्फाक मौजूद है, आइन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, मेरा आपसे ये 3रा इंटरव्यू है। 2 इंटरव्यू मैंने आपसे लिए, उस वक्त कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए थे। आज ये जो मैं 3रा इंटरव्यू आपसे ले रहा हूँ, तो इसमें कातिल पकड़े गए हैं। ये जो कातिल पकड़े गए हैं, ये आपके क्या लगते हैं? एक मेरे पापा थे और दोस्त के जो है ना बेटे हैं। जी तो इनका क्या किरदार रहा है इस तमाम वारदात? ये बेसिकली इस तरह है कि कुछ मेरे चचाजात बेटे हैं और ये मेरे मतलब पापा थे और उसके बेटे हैं, तो इसकी आपस में एक तो रिश्तेदारी है और दूसरी रिश्तेदारी ये है कि इसकी पापा की बेटी जो है ना वो मेरे कज़न पे उसकी जो है ना मतलब वो शादी हुई, उसको दिया है, तो आपस में इसकी रिश्तेदारी और भी मजबूत है। और इसका जो है ना आपस में प्री प्लान था, प्रोग्राम था, तो चूँकि आपस में इसने एक प्रोग्राम बनाई थी, एक मीटिंग की थी, मतलब जो आपस में मनसूबाबंदी की थी, तो उस मनसूबाबंदी के बिना पर जो है ना फिर ये आए थे और इसने जो है ना सारे वाक्य में ये मुलविस हैं। यानी आपने जो कारोबार के पैसे थे वो इन मुलजिमों को दिए? एग्जैक्टली बिल्कुल इसी को दिए थे सर। इनके साथ आपके 21 लाख का तनाजा था? जी जी बिल्कुल सर। और फिर इन्होंने वो जो आपके चचाजाद है उनके साथ मिल के एक प्लानिंग के तहत तमाम कार्रवाई की थी? बिल्कुल बिल्कुल, आपस में प्लानिंग की थी उसने और प्रोग्राम बनाया था, तो उस वक्त जो है ना उसने मौके से फ़ायदा उठाया था, चूँकि उस वक्त मैं घर में नहीं था, और हालांकि वो तो आए थे इस पर कि हम घर के सारे अफराद को शूट करेंगे, वो बाद में उसने बताई भी है किसी जगह पर कि इस तरह के मतलब वो बच गए, वो मौके पर नहीं थे, हम तो सारे को शूट कर रहे थे, मतलब उसने तो अपनी तरफ से सारों को शूट किया है, चूँकि 10 बंदों को मारे हैं, 2 तो अल्लाह ने बचाए, वो तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं और 8 की शहादत हुई है। जी
अभी मजीद जो कातिल ने गिरफ्तार नहीं हुए उसके हवाले से थोड़ा। जी जी, वो तो हम अपने जितने हमारे बड़े हैं, हमारे सीएम साहब हैं, हमारे केपी गवर्नर, हमारे आईजीपी साहब, एसपी साहब, और जितने हमारे और सिक्योरिटी मतलब ऑफिसरान हैं और जितना अमला है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द उसकी गिरफ्तारी यकीनी बनाएँ और हमें कम अज़ कम इतना हो कि दिल को तसल्ली हो जाए। इसलिए हमने मतलब कोई स्टेप नहीं उठाया, हमने मतलब अल्लाह पे ये सब कुछ छोड़े और इसबाब की नीयत पे हम इससे जो है ना तवक्कात रखते हैं अपनी सिक्योरिटी इदारे से कि उसमें हमारे सारे जो है ना मतलब वो अंत कोशिश करें और मेहनत करें कि जितने और मुलजिमान रह गए हैं तो सारे मुलजिमान को जो है ना गिरफ्तारी यकीनी बनाएं। अभी तक आप इन मुलजिमों की गिरफ्तारी पर मुतमिन नहीं है? मुतमिन तो सर हूँ, मगर वो तो FIR में अगर आप देख लें तो उसमें और भी हैं, तो सारे को हो जाए तो फिर मैं मुतमिन हो जाऊँगा सर जी। अभी तो उस पर मुतमिन हूँ, मगर और भी तो है ना, वो भी तो मतलब सांस जी रहे हैं। जिस तरह मैं मतलब एक पिंजरे में बंद हो गया हूँ, मैं कसम खुदा की इतना घुटन महसूस कर रहा हूँ कि कोई रस्सी पर बांधा हुआ है और उसको एक रेगिस्तान में जो है ना फेंक दिया है, तो हाथ पांव जो है ना वो मतलब हिल भी नहीं सकता। कसम खुदा की, मैं अल्लाह की ज़ात की कसम खाता हूँ कि मैं मेरा तो यही फीलिंग मैं कर रहा हूँ, यही महसूस कर रहा हूँ। और वो लोग जो है ना अभी भी मतलब वो खुली फिजा में सांस ले रहे हैं और मतलब चल फिर रहे हैं और जी रहे हैं। इस वाक़े के बाद आपको दोबारा कोई धमकी वगैरह या कुछ मैसेज वगैरह तो नहीं मिला? मुझे अक्सर जो है ना उधर से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना मतलब ख्याल रखें और कुछ मतलब रेफल वगैरह या मतलब सिक्योरिटी ये वगैरह किया करें, आपको भी ख़तरा है। कई कई दफ़े सर मतलब इस तरह मुझे मैसेज हैं कि मतलब लोग आए और मुझे बताएं, एक दूसरे के मतलब मुँह पर बताएँ कि उसको कहें कि मतलब इस तरह किया करें। किस तमाम गुफ्तगु से ये अखस हुआ कि मरकज़ी कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए? सर जी, ये सारे जितने भी हैं सारे मतलब मरकज़ी हैं। मरकज़ी हैं कि मैंने जितने अभी तीन गिरफ्तार हुए ये भी ऑलरेडी FIR में है और जितने बाकी रह गए हैं वो भी FIR में है सर जी। तो मेरे लिए जो है ना जितने हैं सारे मरकज़ी हैं, क्योंकि सारे की प्री प्लान थी और सारों ने प्रोग्राम बनाया था और सारों की सर जी ये है। मेरे लिए अगर पहला नाम FIR में है और आखिरी नाम FIR में है तो मेरे सारे लिए एक ही है। तो मैं ये फिर भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपने CM साहब से, KP गवर्नर साहब, IGP साहब, SP साहब और जितने भी SSP ऑपरेशन साहब हैं, जितने भी हमारे बड़े हैं, कि सर वो और कोशिश करें कि जिस तरह ये पकड़ गए उस तरह जो है ना वो भी हो जाए। उसके लिए मतलब जो सजा है, बस मुझे इंसाफ चाहिए सर, और मुझे इंसाफ चाहिए और बिल्कुल इस तरह इंसाफ चाहिए कि हाँ सिर्फ ये बात मेरी माँ की नहीं है, मेरी एक बेटी की नहीं है, ये उसने जो है ना 10 कत्ल किए, उसने अपनी तरफ से 10 कत्ल किए हैं, वो तो अल्लाह की मर्जी थी कि दो की जो है ना जान बच गई और उसने जो है ना उस तो सारे घर 8 की शहादत हो गई। एक कंधे पर जो है ना मतलब मुसलसल जो है ना 8 बंदे एक चौकट से, एक ही घर से 8 जनाजे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे बड़े, उसने अभी तक अपनी लाइफ में ये नहीं देखा होगा कि एक ही घर के 8 जनाजे घर से निकल, इस तरह मतलब ब्लास्ट भी हुए हैं, वाकियात भी आए, मगर अगर उसमें शहादती हुई है तो वो मुख्तलिफ घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। ये तो मेरे घर के थे, मेरे अफराद थे, मेरे बीवियाँ थी, मेरे बच्चे थे, मेरे मतलब अम्मी थी, तो सब कुछ ये तो मेरी फैमिली है, तो मुझ पर क्या गुजरे वो तो सिर्फ एक अल्लाह को पता है सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ SP सदर डिवीज़न मौजूद हैं, आइन से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, ये बताएं मुलजिमान कैसे गिरफ्तार हुए और कहाँ से गिरफ्तार हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। मुलजिमान ये वक़ुअ जो हुआ था वो 25 तारीख को हुआ था, बहुत बड़ा दिलखराश वाक़िया था। इसमें हमने ह्यूमन सोर्सेज और टेक्निकल तो नहीं था, मैसर नहीं था चूँकि कोर्ट की वजह से बंद था। तो इस मुलजमान के पीछे हमारे IG साहब KPK ने और CCP साहब कासिम अली खान और SSP ऑपरेशन काशिम जुल्फ़िकार साहब ने इसमें स्पेशल टीम GAT बनाया और इसमें 4 टीमें तश्कील दी। ये जो मुलजमान गिरफ्तार है, रूहुल्ला, सबगतुल्ला और फरमानुल्ला, ये 3 मुलजमान हैं। ये कल हमने उधर नौशेरा से उधर हमने रेड किया और वहाँ से हमने गिरफ़्तार करके लाए हैं। इसमें दूसरा उबैदुल्ला इसका भाई है जिसने BBA किए है, उसमें 7 तारीख मुकर्रर है, कल उसने BBA भी लाया है। इसमें अभी तक 4 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं जबकि 5 बाकी है। ये मुलजिमान और मकतूलीन
जो मुदई पार्टी है, ये आपस में चचाजात भाई है और खालाजात भाई है, इनका करीबी रिश्ता है और इसने जायदाद और कुल मिला के 23 लाख रुपए पर इस दिलखराश वकवा का को सर अंजाम दिया है। सर, ये जो मुलजमान पकड़े गए हैं नौशहरा से, इसमें ये आपस में क्या लगते हैं? ये भाई है आपस में, इनका एक वालिद है और दो उनके बेटे हैं। यानी एक वालिद और दो बेटे नौशहरा से पकड़े गए, बाकी जो 5 नामजद मुलजमान हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए? जी जी, उनके पीछे अभी 4 टीमें तश्कील दी गई है और उस पीछे अभी काम शुरू है। इंशाल्लाह अभी हमारा एक रेड होने वाला है, तो बस बातें ऐसी हम मीडिया में वो लाना नहीं चाहते हैं चूँकि मुलजिमान को इसका फ़ायदा पहुँचता है, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। सर, ये जो दिलखराश वाकई में ये जो पकड़े गए बाप और दो बेटे जो हैं, इन्होंने इब्तदाई तफ्तीश में क्या बताया? इन्होंने प्लानिंग कहाँ की, मनसूबाबंदी कहाँ हुई, कहाँ से आए, फिर फरार कहाँ पर हुए, 7 दिन ये कहाँ कहाँ छुपते रहे पुलिस से? हाँ जी, ये तो जो वकूअ है, अगर आपने मौका भी देखा होगा, हुआ है मैं भी था, तो ये प्री प्लानिंग के तहत, एक प्लानिंग के तहत इसने ये वकूअ सर अंजाम दिया है। इनमें तमाम शामिल थे, जैसे कि आपको मालूम है वकूअ के होते ही तमाम फरार हो चुके थे, रोपोश हो चुके थे, तो ये मुख्तलिफ मुकामात में इसने टाइम गुजारा है, 1 दिन 2 दिन, तो लास्ट पे यहाँ पे वहाँ पे हमने इनको अरेस्ट किए, इनसे असलाह भी रिकवर हुआ है और मज़ीद तफ्तीश जारी है और अहम इंकशाफात की तवक्को इनके से है, जो भी इनसे जो चीज़ हासिल किया जाए तो जो अपडेट हो फर्दर आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। जी नाजरीन, आपने SP सदर डिवीज़न की गुफ्तगू सुनी। यकीनन ये एक इंतहाई दिलखराश वाकया है, इसमें जो मुलविस मुलजमान थे, जो बाप बेटे हैं, उनको तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन जो मरकज़ी मुलजमान है उनकी गिरफ़्तारी के लिए अब भी कोशिशें जारी हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।